हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा। यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूं। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहां पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने टर्मिनल्स के सभी सिंटेक्स को डिस्कस किया कि जब हम लोग किसी भी टर्मिनल से यूजर को लॉगिन करते हैं तो ये कुछ सिंटेक्स वहाँ पर आते हैं और ये किस किस पर्पज़ से होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, इनका पर्पज़ क्या होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो इसके बाद दोस्तों वापस हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पर ही चलते हैं जहाँ पर हमने रूट यूज़र से लॉगिन किया हुआ है। तो ग्राफिकल में चलते हैं दोस्तों। अगर आप टर्मिनल को एक्सेस करना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप टर्मिनल्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल ऑल्ट F2 से लेकर F6 तक आप लोग यूज कर सकते हैं। तो इन्हें बोलते हैं हम लोग टर्मिनल्स। लेकिन दोस्तों एक अनदर टर्मिनल होता है जिसे बोलते हैं हम लोग सूडो टर्मिनल। ध्यान से सुनना, टर्मिनल एंड सूडो टर्मिनल, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों टर्मिनल के अंदर जब हम लोग टर्मिनल को एक्सेस करते हैं कंट्रोल ऑल्ट F2 या F6 तक का किसी भी की के द्वारा हम लोग जब टर्मिनल को एक्सेस करते हैं तो यहाँ पर कोई भी यूजर बाय डिफॉल्ट लॉगिन नहीं होता है। यहाँ से आप किसी भी यूजर को मैनुअली एक्सेस करना पड़ता है, यानी कि लॉगिन करना पड़ता है। ठीक है, तो टर्मिनल पर किसी भी टर्मिनल से कोई भी यूजर बाय डिफॉल्ट लॉगिन नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अब सूडो टर्मिनल, दोस्तों सूडो टर्मिनल को ओपन करने के लिए हमारे पास में दो से तीन तरीके होते हैं, वो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा अभी। तो सूडो टर्मिनल को एक्सेस करने के लिए ये जो डेस्कटॉप आया हुआ है उसी पर आप राइट क्लिक करना, ओपन इन टर्मिनल। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने सूडो टर्मिनल ओपन हो जाएगा दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे हम लोग सूडो टर्मिनल को ओपन करते हैं तो यहां पर आपके सामने एक यूजर लॉगिन हुआ मिलेगा। और ध्यान रखना दोस्तों, ये यूजर वही होगा जिसे आपने ग्राफिकल मोड के द्वारा यहां से लॉगिन किया हुआ है। क्लियर? तो पहला डिफरेंस ये होता है कि टर्मिनल के अंदर बाय डिफॉल्ट कोई भी यूजर लॉगिन नहीं होता है, लेकिन सूडो टर्मिनल पर वो यूजर बाय डिफॉल्ट लॉगिन हुआ मिलेगा जिस यूजर को आपने ग्राफिकल के द्वारा लॉगिन किया हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये है यूजर नेम, मशीन नेम और ये इसकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आपको शो कर रहा है। के साथ साथ ये आप देख भी सकते हैं कि हैश का सिंबल यानी कि सुपर यूजर से लॉगिन है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब सूडो टर्मिनल में कैसे कैसे ओपन कर सकते हो? सबसे सिंपल तरीका होता है डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना, ओपन इन टर्मिनल। ये आप देख सकते हैं सूडो टर्मिनल ओपन हो गया। के साथ साथ एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा और यहां पर आप देख सकते हैं टर्मिनल। ये देखिए दोस्तों, क्लियर है, टर्मिनल यहां से भी ओपन हो गया है। के साथ साथ एक थर्ड ऑप्शन होता है, आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन ओपन कीजिए। दोस्तों रन ओपन करने के लिए भी यहां पर की अलग होती है। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन ओपन करते हैं तो उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं विंडोज के साथ आर की, विंडोज के साथ आर की प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से तो रन ओपन हो जाता है। लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर आप रन ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको
ऑल्ट एफ टू प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पर आपके सामने रन ओपन हो जाएगा। रन में हमें टाइप करना पड़ता है जीनोम हाइफन टर्मिनल। जीनोम हाइफन टर्मिनल टाइप करके जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे तो आपके सामने सूडो टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ सूडो टर्मिनल को। तो दोस्तों पहला डिफरेंस ये था कि टर्मिनल पर बाय डिफॉल्ट कोई भी यूज़र लॉगिन नहीं होता है, आप देख सकते हैं, लेकिन सूडो टर्मिनल पर वो यूज़र बाय डिफॉल्ट लॉगिन हुआ मिलेगा जैसे ही आप सूडो टर्मिनल को ओपन करते हैं, जिस यूज़र से आपने ग्राफिकल मोड के द्वारा लॉगिन किया हुआ है। सेकंड डिफरेंस ये है कि टर्मिनल पर जो ये आप फॉन्ट साइज देख रहे हो अपने, इस साइज को आप ना तो कम कर सकते हो ना ही आप ज्यादा कर सकते हो, यानी कि फॉन्ट साइज को ना तो आप इंक्रीज कर सकते हो ना ही आप डिक्रीज कर सकते हो, लेकिन टर्मिनल के अंदर आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखिए जरा। अगर आपको फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है तो यहां पर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस की प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस की प्रेस करते हैं तो आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया है। अगर आप डिक्रीज करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप माइनस की प्रेस करते जाएंगे तो फॉन्ट साइज जो है वो काफी कम हो जाएगा। बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस की प्रेस कीजिएगा तो फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं। लेकिन अगर आप वर्किंग की डिस्कस करें, ये देखो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया कि वहां पे लॉगिन नहीं मिलता है, यहाँ पर लॉगिन हुआ मिलेगा, यहाँ पे फॉन्ट साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, वहां पर नहीं कर सकते हैं। ये तो जस्ट बेसिक डिफरेंस होगी। लेकिन दोस्तों डिफरेंस जो आता है वो केवल कमांड्स को लेके आता है और कमांड भी डिपेंड करती है कि आपने करंट टर्मिनल से किस यूजर से लॉगिन किया हुआ है, क्योंकि रूट यूजर को किसी भी टर्मिनल से किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने की फुल परमिशन होती है, लेकिन एक नॉर्मल यूजर को एक लिमिटेड कमांड से एग्जीक्यूट करने की परमिशन होती है। अगर आपने रूट यूजर को सूडो टर्मिनल से लॉगिन कराया हुआ है या टर्मिनल के द्वारा लॉगिन कराया हुआ है तो वो किसी भी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकता है। ठीक है? तो दोस्तों ये जस्ट हमारी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी जिसके द्वारा आप आराम से लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करना स्टार्ट कर दोगे।